हे फैमिली, सो कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय अनदर व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। दो यूट्यूबर्स आपस में भिड़ते हो। रामायण आज से 3,04,00,000 वर्ष पहले हुई। आज यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए मैं मन से गया। अरे तो मांगी माचिस, आपने दिया खोका। अरे हमने तो प्यार किया, आपने दिया धोखा। तो भाई ये अपनी पूरी टीम है, आज एक बार सब हाय बोल देना। कौन करके लाया? हाय हाय। हेलो हेलो हेलो, मेरे को बाल कटवाना है। सो गाइस, अभी बहुत तगड़ा सीन हो चुका है। हम लोग मतलब जा रहे थे जलोर तक, आप तो आपको पता ही है, अभी पिछले वाली क्लिप में आपने देखा होगा। तो अभी हम जलोर तक जा रहे थे, तो क्या हुआ, हम लोगों ने टिकट नहीं ली थी। वो इसलिए नहीं ली थी क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे और ट्रेन आ गई थी, तो जल्दी जल्दी ट्रेन में हम लोगों को चढ़ना पड़ा, इस वजह से हम टिकट नहीं ले पाए। एंड टिकट नहीं ले पाए तो फिर टीटी सर थे, उन्होंने पकड़ा। फिर उसके बाद ये टिकट थे हमारे पास पुरानी वाली, ये देख रही होगी आपको, ये पुरानी वाली टिकट है। अच्छा। तो उसके बाद फिर टीटी ने पकड़ा, फिर यहाँ पर आए हम। कौन सी जगह है ये? पता नहीं यार, धुंधला ऐसा लग रहा है भैया। बस भाई ऐसा लग रहा है कि एक जेब तो फटी हुई थी, तीन बाकी सारी फट गई। आज काट दी। जब जेब में 6 होता है ना तो सिक्के से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। ये रिश्ता कौन सा गिरा है? ये उन्होंने दिया है। क्यों नहीं होंगे दोस्त, उनका और उनका और हमारे प्यार की चिट्ठी है ये। इधर देखो, देख लेना एक बार, फेस दिखाओ फेस। ये उन्होंने अपने प्यार की चिट्ठी दी है, पकड़ रखा पुलिस ने, बताया नहीं गया। इस पे मेरा साइन भी कराया है कि ध्रुव हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने तुम्हारा फाइन काटा। एंड इस पे उन्होंने अपना थप्पा लगाया है, लव यू का थप्पा। अब हम जाएंगे लोनी। अब लोनी से फिर से हमें ट्रेन पकड़नी पड़ेगी जलोर की। मुझे पता है टीम वालों के दिमाग में हमारे बारे में गाली निकल रही है। मेरे नहीं निकल रही, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के इधर खड़े हो बंदी से बात ब्लॉग। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहूँगा जो आज हुई है, पर ये होता रहता है। ये हमारी लाइफ का, हाँ ये माई लाइफ, बस इतना ही बोला, ये माई लाइफ का पार्ट है, ठीक है, चलता रहता है। अब इससे कुछ सीखने को मिलेगा कि अगली बार जाओ तो फिर ऐसी हरकत मजा आएगा। हरकत करो पर दूर से करो, दिल्ली से जोधपुर करना। कटना तो फिर भी है, देखो गाइस कटना तो फिर भी है, तो दिल्ली से जोधपुर करोगे उतना ही कटेगा, तो फायदा होगा। ओके गाइस, तो अब मैं यही अपने 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 फॉलोअर्स को ये सूचना देना चाहूँगा टीटी वालों की, और ट्रेन दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक ट्रेन लो बिना टिकट के जाओ, और सारे जाओ, किस किस की टिकट काटेंगे, ठीक है? और मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि भाई हमारी फटी है तो तुम्हारी भी नहीं, हमारी जिन्होंने फाड़ी है उनकी तुम फाड़ोगे। हाँ, मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार स्टेशन दिखा, स्टेशन ये स्टेशन है, आइस कर दो सीन इनके साथ। गाइस प्लीज़ सपोर्ट अस, हमारे पैसे लग गए हैं, और अगर आपको हम पे प्यार आ रहा हो तो मैं नीचे पेटीएम क्यू आर कोड डाल देता हूँ, कुछ पैसे कर देना। तो भाई हालत तो पूरी डेड हो चुकी है, मन कर रहा है यहीं लेट जाऊँ, आ जाए ट्रेन उड़ा दे, जिंदगी वैसी ख़त्म चल रही है, दिमाग खराब हो रहा है। लो, अरे हाथ नहीं, फोन दे। आ जा हाथ, आ पाऊँगा, आ जाएगा। मैंने कह दिया है आज से मैं हायर कर रहा हूँ अपना पर्सनल असिस्टेंट, ये मेरी वीडियोस बनाएगा, मेरे कंटेंट बनाएगा। भाई देख रहे हो, इतनी परेशानी में भी हम खुश हैं, हमारे चेहरे पे हंसी है। जो होना था वो तो अब क्या करें यार, पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ना वो नहीं है, दिक्कत ये है पैसे चले गए, थोड़े से ज़्यादा चले गए बचाने के चक्कर में ना। जब तुम बचाने के चक्कर में होते हो तब पैसे जाते ही जाते हैं, मैंने नोटिस कर लिया, जब भी तुम बचाने के चक्कर में होते हो ना पैसे फिर तो जाने जानी है।
तो भाई यही बोलूँगा, ऐसे तो भाई सही बताऊंगा, आज बचाओगे कल को फिर उड़ जाएंगे, आज बचाओगे फिर। तो भाई आप चलो, अब कोई नहीं, अब चलते हैं, देखते हैं। तो भाई अपनी टीम है यार, लग रहा है ट्रेन टीटी से कटवा के भाई कट गया हमारा। क्या हो गया भाई, झंड हो गई भाई, क्या लग रहा है भाई? बहुत बुरा लग रहा है यार भाई, क्या बोलना चाहोगे भाई? क्या ही बोले यार भाई, देख रहे हो हर बंदा इतने दुख के बाद भी हर बंदा चेहरे पे स्माइल रख रहा है, सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोग डिप्रेशन में ना जाओगे, यहाँ पे हर बंदा डिप्रेशन में चला गया भाई, हम डिप्रेशन में नहीं जाते क्या भाई? क्या भाई, डिप्रेशन में नहीं जाते भाई हम। भाई ये बताओ यार, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा सीन। क्या कहना चाहोगे भाई? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आई एम नो कमेंट। नो कमेंट भाई, क्या कहना चाहोगे सबके बाद? मत कुछ कहें वैसे बुरा लगे, या बिना कुछ कहे बुरा मान जाएंगे ये लोग? तो मान ही जाएंगे, तुम बताओ क्या कहें? तो फिर नहीं बोलेंगे, ज्यादा बुरा मान जाएंगे। बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है लाइफ का ये भी। अच्छा भाई, तपती धूप में फर्स्ट टाइम आए थे ट्रेन में, पता नहीं क्या ही हो गया। बोलो पीछे खड़े भाई को गाना चलाना, चंद से जो टूटे कोई सपना, चंद से जो टूटे कोई सपना जग सुना। भैया कैसा लग रहा है टीटी ने जो हमारे साथ किया है? बेकार लग रहा है भैया, बेकार गुस्सा रहा है। क्या करे भैया, हम 5,000 देने के लिए तैयार हो गए फिर भी नहीं मान रहे, वो तो 7,000 ले रहे वो तो। चलो भाई चलते हैं, फिर से ट्रेन में चढ़ रहे हैं। तो गाइस ये देखिए, दो यूट्यूबर्स आपस में भिड़ते यहाँ पे आए हैं मथुरा में, और आज हम मिलने वाले हैं इनसे। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण आज से 3,04,00,000 वर्ष पहले हुई, आज यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए मैं मन से गया, पैरों से आया। अच्छा, मेरा नाम विकास है। अब शायरी बोल रहा हूँ मैं। हसी तुम्हें हसी ना लगे, वाह वाह, ए दिलबर तुम्हारे दिल को ना लगे, चाहे तुम कितनी दूर चली जाओ, ये विकास के बिना मन ना लगे। टीटी के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ। बोलो बोलो। हमने तो मांगी माचिस, आपने दिया खोका, अरे हमने तो प्यार किया, आपने दिया धोखा। तो भाई अभी निकल पड़े हैं कुछ खाना वाना खाने, रात हो चुकी है। और ये देखो भाई, और गाइस अभी होटल दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छा होटल। क्या आप ये चिंगाट का राज क्या भाई? मामा अर्थ का बिजनेस है, वो मामा अर्थ का नहीं, वो किसी और का बिजनेस। तो गाइस अभी क्या है, अभी होटल तो आपको दिखाएंगे, रात की व्यवस्था हमारी ठीक है। आज हमारे आर्टिस्ट सारे खुश है बड़े की होटल की, होटल की तब प्यारा मिला। तो गाइस अरे बहुत बढ़िया, पता है दिखाओ ये रहा, पीछे होटल ये रहा हमारा, ये हमारा होटल भाई। मेरे अकेले के लिए 2 रूम करवाया भैया ने, मेरे अकेले के लिए, इनसे बढ़िया कोई बंदा ही नहीं है भाई। अदर हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बट इस होटल में इतना मजा आ रहा, ऐसा लग रहा है पिज्जा खाया जा रहा है मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। भाई चलो हम कहाँ चल रहे हैं? तो भाई रात की व्यवस्था दिखाने चल रहे हैं, होटल नहीं है, व्यवस्था है अभी, व्यवस्था है खाना का, खाना नहीं है। ये गर्ल्स रूम।
तो गाइस ये वाला हमारा रूम है, अभी हम लोग अब ये तैयार होगा, इसमें फोल्डिंग वगैरह लगेंगी। ये है भाई, एक बार भाई अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये होटल दिया है, अभी पहले क्लियर कर दो एक बार कि ये क्यों है और कैसे। ये रात की व्यवस्था है क्योंकि हम लोग यहाँ पर लेट आए थे और घूमने का हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं था एरिया का। हाँ। तो जो पास देखा हम लोग वहाँ पर रुके हैं अभी। कल जो है कोई दिक्कत नहीं है, पर तो गाइस हम अपने गद्दे सेट कर रहे हैं। रात की व्यवस्था का भी लोग सोचो हम होटल ऐसा दे रहे क्योंकि हम खुद नहीं रह सकते ऐसी जगह में। ठीक है, तो टीम को हम अच्छा खासा होटल देंगे। ठीक है, विदेशी। ठीक है, और अभी हम देख के भी आए थे एक होटल, बट अभी हम देख के आए बहुत बढ़िया होटल, बट वो थोड़ा छोटा है, बट हम बड़ा देखेंगे क्योंकि हमारे साथ छह लोग, मतलब ये छह लोग रहेंगे, ये छह आर्टिस्ट रहेंगे एक कमरे में। ठीक है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो ध्रुव भाई कैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कल हम खुद देखेंगे और हम इनको बता देंगे, फिर ये हमें पे वगैरह। हाँ, तो गाइज अभी आपको ये लग रहा होगा ये कहाँ जा रहे हैं इतने सारे लोग, ये क्या है, क्यों, कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो ये चीज़ मैं कल रिवील करूँगा अपने कल वाले व्लॉग में, पार्ट थ्री में, कि हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं इतने सारे लोग वो भी साथ में। ठीक है, तो अभी मैं आपको खाना वाना खा तो लिया, मैं सीधा होटल पर ले चलता हूँ, फिर वहीं व्लॉग एंड करेंगे।